来吧，也真有这样的。哈，有查清楚不是？काशी फेसबुक चैनल का आपके आशीर्वाद से सिंधी सारंगी जो कि एक विलुप्त साज है इसे भी प्रोग्राम में आने का एक मौका मिला। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मोहित्रा सर को कि आपने सिंधी सारंगी जो कि एक विलुप्त साज है इस साज पर आपने तवज्जो दिया। हम सिंधी सारंगी बजाते हैं, हमारा घराना है सिंधी घराना। सिंधी घराना सिंधी सारंगी में दो ही घराने हैं, सिंधी घराना और मुल्तान घराना। मुल्तान घराना राजस्थान एरिया में बजता है, दीगर जगहों में सिंधी सारंगी का सिंधी घराना। सिंधी घराने में हमारे जो पुराने जो मिट्टी के राग हैं जो कभी सिंध पाकिस्तान में बजा करते थे, हम उन्हीं रागों को उन्हीं गीतों नगमों को बजाते हैं। आज हम आपकी खिदमत में तीन नगमे पेश करेंगे, एक राग गौन, राग परगौन और एक सिंध पाकिस्तान का हमारे सिंधियों का एक बहुत मशहूर एक गीत है खटिया और खैरसा हो जाओ। हमें तीन जो टुकड़े जो हैं तीन नगमे आपके सामने बजेंगे। मेरे साथ में है आप उस्ताद दिनेश यादव जी, आप वृंदावन से हैं और आप ढोलक बजाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपके सामने बजा रहा हूँ खट्टी आयो खैरसा भोज मालू। ये झमट ताल में बजाई जाती है। झमट ताल सिंधियों की अपनी एक कदमी एक ताल है जो अक्सर लाडों में बजाया जाता है। झमट ताल सुना दो। जो खट्टी आयो खैर सा होज मारो ये हम लोग सिंधी लोग तब गाते हैं जब कोई शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम होता है या जब कोई खुशी का काम होता है, जैसे कोई जब कुछ जीत के आता है, जब किसी काम में उसको फतेह मिल जाती है तो हम ये गाते हैं खट्टी आयो खैर सा। खैर से खट कह जीत कह होज मारो। Thank you.
अगला जो आपके सामने हम लोग राग बजा रहे हैं, इस राग का नाम है राग गौन। राग गौन सिंध पाकिस्तान राजस्थान एरिया में, जो राजस्थान का कुछ एरिया जो सिंध से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ के लोग जनरली व्यापार करने को जाते थे, और जब व्यापार से वापस आते थे उनके आने का समय रहता था जुलाई मिड में, वो वापस आते थे जब 15 से 20 जुलाई के बीच में उनको वापसी होती थी व्यापार से घर के बाहर। तो घर की जो गृहिणी है वो झोपड़ी से खिड़की, छोटी सी खिड़की, गोल खिड़की से ऐसे बाहर की तरफ देखती है कि ऊँटों का एक जत्था वापस आ रहा है, लाइन से ऊँट वापस आ रहे। तो उनमें वो अपने प्रेमी को पहचान जाती है कि मेरा प्रेमी फला ऊँट पर बैठा हुआ है। अब ऊँट से उतरते हैं व्यापारी लोग, और जब घर को आते हैं उसी वक्त बादल गरजने लगता है और बारिश होने लगती है। उस वक्त जो राग जो घर में एक जो नगमा गाया करते थे उसको बोलते हैं राग गौण। राग गौण कहरवा ताल में है, और ये अभी की डेट में राग गौण का विस्तृत रूप, जो उसमें पहले राग गौण 4 सूर में था, अभी तो थोड़े संपूर्ण कर दिया गया है, अब इसको राग शिवनंदी बोला जाता है। ये मिट्टी का राग हम उसी सूरत में लेके आएंगे, और ये बिलावल थाट पर है। आइए सुनते हैं राग गौण। Thank you.
कर रहे हैं व्यापार को अब जा रहे हैं तो उस वक्त जो गृहणियाँ हैं वो जो राग बजाती हैं जो गाना वो बनाती थी उनको हम कहते हैं राग परगौन। अब परदेश को जा रहे हैं परगौन। परगौन के ऊपर एक और बात है कि परगौन यदि गृहणियाँ गा रही हैं तो सेम वही चीज़ वही सुर वही जो लय है उसको हम परगौन बोलते हैं। लेकिन अब व्यापारी लोग गाते गाते मतलब घर से गृहणियों ने विदा कर दिया। अब व्यापारी ऊँट के जत्थे पर बैठे हुए हैं और बाहर देश को जा रहे हैं तो वो अपनी गांव की सीमा तक जब तक उनकी गांव की सीमा पार नहीं रहती तब तक वो भी परगौन गाते हैं। परगौन एक तरीके का एक विश्वास है, एक तरीके का भरोसा है, एक तरीके का वचन रहता था इसमें और दोनों पक्ष गुनगुनाते थे। तो जब ऊँट के जत्थे पर बैठे व्यापारी अपने गांव की सीमा तक इस गीत को गुनगुनाते थे तो इसको हमारे सिंधी लोकगीत में इसे लोहरा बोला जाता है। लोहरा 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 इसलिए गाया जाता था ताकि वो और व्यापारी हैं या और जो लोग गांव में हैं उनको ये संदेशा जाता था उनके आवाज़ सुन के कि भाई फला जो है अब घर से विदा हुआ है, अब ये जा रहा है। और दूसरे व्यापारियों को एक रहता था कि अब जाने का वक्त आ चुका है। जो परगौन है ये हम लोग दीपचंदी ताल में इसको लेते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंधी घराने में सुर जो है जिसकी जो तालीम हमारी हुई थी सिंधी सारंगी में उसमें हमको दो ही सुरों का हमको से हमारी तालीम शुरू हुई है, दादर और आगोर। दादोर दादर का अर्थ होता है सा, ये दादर और आगोर अर्थ यानी पंचम, दादर पंचम। और अभी जब हम परगौन बजाएंगे ये हमारी आखिर प्रस्तुति है, ये विदाई का है। आज की डेट में जब हम हमारे मित्र लोगों से पूछते हैं कि आप परगौन क्योंकि आपको व्यापार का वैसा चीज खत्म हो गया तो वो जब बिटिया जो है दुल्हन घर से विदा होती है तो बाबू के घर में उसके पिता के घर में परगौन की धुन चलती है आज भी। आइए सुनते हैं दीपचंदी 14 मात्रा ताल में परगौन।
के दौरान कहीं कोई गलती होगी वो तो आप हमें क्षमा करेंगे।